कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। कहते हैं जिसकी आंखों में ज्योति नहीं वो भला जलते दीप की सुंदरता को कहाँ पहचानेगा। देखा जाए तो निरक्षर भी एक तरह से ज्ञान का अंधा होता है। ये वो व्यक्ति है जिसे अगर साक्षरता का और पढ़ाई का शौक हो तो निरक्षर होना इसे बहुत खलता है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई की चाहत तो रखते हैं मगर उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है काम करते करते और फिर साक्षर बनने का मौका हासिल ही नहीं होता। आइए मिलते हैं असम की रेनू बोरा से। कितने ही लोग होते हैं जिनकी जिंदगी के कई मासूम और हसीन लम्हे गुजर जाते हैं लेकिन वे अक्षरों की दुनिया से परिचित नहीं हो पाते। पर जमाने की जरूरत के हिसाब से बदलने और सीखने की चाहत हो तो क्या नहीं हो सकता। आइए मिलते हैं रेनू बोरा से जो कि असम के इस छोटे से गाँव छुपापारा में रहती है। रेनू की बदकिस्मती ये थी कि वो एक गरीब परिवार से थी। बचपन से ही उसके नन्हे कंधों पर घर परिवार का बोझ आ पड़ा। छोटी उम्र में ही इसके पिता का देहांत हुआ तो रेनू की माँ को घर की रोजी रोटी चलानी पड़ी और रेनू घर के कामों में उलझ गई। मन में इच्छा तो थी कि बाकी बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाए, पढ़े लिखे, पर अपनी इच्छाओं को अपने दिल में ही दबा कर रखा। आज 35 साल के बाद रेनू की इन इच्छाओं ने फिर जन्म लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? मैं एक बार महिला समिति गई, वहाँ पर मुझे हस्ताक्षर करने को कहा गया पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर पाई। मुझे शर्म महसूस हुई। उस दिन मैं घर आकर खूब रोई, अपनी माँ से भी झगड़ा किया कि मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया। तब मैंने फैसला किया कि गांव में चल रहे साक्षरता कक्षा में जाकर अब मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। रेनू अब घर का काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कर रही है। इसकी दिनचर्या पर अगर नजर डाले तो एहसास होगा इस लड़की की क्षमता का। अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये खेतों में काम करती है। फिर मछलियां पकड़ती है और फिर दोपहर में कपड़ा बुनती है। यही नहीं, रेनू के हाथ में हुनर भी है। वो इन सादे कपड़ों पर सुंदर सुंदर फूल निकालती है। आज इसकी माँ भी इसको बहुत प्रोत्साहित करती है। अब मैं इसे पढ़ने से नहीं रोकती। मुझे दुख है कि अपनी आर्थिक हालत की वजह से मैं इसे बचपन में नहीं पढ़ा पाई। ये बहुत दुखी रहती थी पर अब इसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी है। साक्षर होने के बाद रेनू में एक आत्मविश्वास आया है। वो अपना कारोबार चलाना चाहती है। उसका मानना है कि वो कशीदाकारी करके अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकती है। मैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं घर घर जाकर कपड़ा बेचती भी हूँ।
पर अब मैं ये सोचती हूँ कि ये कपड़ा मैं दुकानदारों को बेचूं। पहले मुझे दुकान पर बेचने में डर लगता था, पर अब मैं बल्क के हिसाब से दुकानदारों को कपड़ा बेचूंगी। मुझे सिर्फ अच्छे मौके का इंतजार है। अब रेनू भोरा ने अपनी माँ को भी पढ़ाना शुरू किया है। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ निरक्षरता के अंधकार में रहे, और उसकी बहन गुनू, जिसकी रुचि पढ़ने लिखने में नहीं थी, वो भी अब पढ़ने लिखने की इच्छा रखती है, क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि पढ़ने लिखने से आज उसकी बहन को मान सम्मान मिल रहा है। मेरी बहन पहले अनपढ़ थी, वो बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहती थी, पर वो पढ़ नहीं पाई। अब जबकि वो पढ़ लिख गई है तो उसे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ। रेनू की तरक्की देखकर गांव वाले भी आज बहुत खुश है। तभी तो इसकी पड़ोसी गुणेंद्र मेधी कहता है, हम लोग बहुत खुश है, अब ये लोगों के साथ मिलजुल कर गांव की समस्याओं पर भी चर्चा करती है। तो देखा आपने, साक्षरता का उजाला किस तरह रेनू बोरा की जिंदगी में नई उम्मीदें और आशाएं लेकर आया है। आगे बढ़ने की तमन्ना हो, कुछ सीखने पढ़ने की ख्वाहिश हो, या जिंदगी में कुछ कर दिखाने की इच्छा हो, तो लोग मुश्किलों का हल निकालकर ज्ञान हासिल करने आगे आ ही जाते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश निवासी कछवा गांव के एक खेतीहर मजदूर थे, पर जब उन्हें साक्षरता के फायदों से अवगत कराया गया तो वो निकल पड़े ज्ञान की राह पर। गाना बजाना करते ये पुरुष ना तो किसी भजन मंडली के लोग हैं और ना ही ये किसी उत्सव में खुश होकर गा रहे हैं, बल्कि ये वे पुरुष हैं जो यहाँ चलाए जा रहे साक्षरता केंद्र में पढ़कर साक्षर हो रहे हैं। और इनका गीत भी कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये खुद का बनाया हुआ साक्षरता का गीत गा रहे हैं और अन्य लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश के गांव इंदिरा आवास कछवा के निवासी ये पुरुष पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग खेतीहर मजदूर थे और अशिक्षा के चलते अंधकार में अपना जीवन गुजार रहे थे। काम ना होने पर ये लोग घर पर ही अपना सारा समय गुजार देते थे और महिलाएं जीवन के दैनिक कार्यों में अपना सारा समय निकाल देती थी। ऐसे में जब साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया तो इनको आशा की किरण नजर आई और इन्होंने साक्षरता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बचपन में पढ़ाई ना करने का कारण बताते हुए मथुरा प्रसाद कहते हैं कि घर में गरीबी होने के कारण वो पढ़ नहीं पाए। माँ बाप की गुंजाइश नहीं थी पढ़ाने लिखाने की, इस वजह से हम नहीं पढ़ सके। और दूसरी बात, गांव में कोई ऐसे शिक्षित भी मान लो नहीं थे पहले जो अपन थोड़ी बहुत जानकारी ले सकें। देहात में ऐसे लोकल चलते हैं ना, कोई पढ़ना कोई मतलब नहीं रहता था, बस काम खेती किसानी अपनी मजदूरी करते रहते थे, उसमें ज्यादा भाग लेते थे, पढ़ने वढ़ने में कोई भाग लेते नहीं थे। और अब वो साक्षर हो जाने के बाद कैसा अनुभव करते हैं? अब बहुत अच्छा लगता है, कम से कम थोड़ा बहुत अपन पढ़ लिख गए हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि और भी काम काज देख सकते हैं, जैसे कोई अपनी काम काज अपनी योग आया उसे भी अपन समझ सकते हैं, और भी कोई कानून आए जो सरकारी फायदे आते हैं कोई भी, तो जे रुक जाते हैं अपन नहीं जानते हैं, तो अब उसमें थोड़ा बहुत जानने लगे हैं तो थोड़ा बहुत अपन उसका भाग बांट सकते हैं। यहाँ चल रहे साक्षरता केंद्र को चलाते हैं महेंद्र। अपने द्वारा पढ़ाए गए लोगों में आ रही जागरूकता को देखकर वे खुश होकर बताते हैं, साक्षर हो चुके लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि शिक्षा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, और सभी नव साक्षर अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे इस बात की कसम खा चुके हैं। वो एक प्रकार वादा कर चुके हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखेंगे, बच्चों को रोज स्कूल भेजाएंगे, और उसका ये मतलब नहीं है वो कि हम उसे नौकरी मिले या
एक पढ़ा लिखा कर एक समझदार इंसान बनाएंगे अपने बच्चे के लिए। अशिक्षा बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। जो लोग पहले गंदे रहते थे वही लोग साक्षर हो जाने के बाद साफ सुथरे रहने लगे। साथ ही कई लोगों ने अपनी कुछ बुरी आदतें भी छोड़ दी। पहले से बहुत कुछ परिवर्तन आया है सर। रोज रोज काम पे जाना, पहले क्या हुआ होता था कि जो लोग बैठे रहते थे अब वो समझने लगे हैं। और कुछ लोग धूम्रपान नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया गया। और रोज सुबह उठ के अब अपना नहा धो के बढ़िया अपने काम पे जाते हैं। सच में साक्षरता का असल उद्देश्य तो यही है कि गलत रास्तों पर चल पड़े कदमों को रोका जाए। और यहाँ के लोगों ने सही मायने में साक्षरता के अर्थ को समझा है। साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि लोगों में इससे क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उन्हें शिक्षा से कितना फायदा पहुँच रहा है। दीवान सिंह बताते हैं इसके फायदे। जैसे अपन सब जो दूरदर्शन वाले प्रोग्रामों में पहचानने लगते हैं, किताब मिताब पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, जिनसे बहुत कुछ अपन को खबर मिलती है, अपन को शिक्षा मिलती है बहुत कुछ। और पहले पढ़ना नहीं आता था तो कुछ भी नहीं जानते थे, केवल खेत खलिहान देखना। बाहर भी कहीं जाते हैं अपन तो अपन पूरा ज्ञान रहता है अपन कहाँ है, कहाँ से आना, कहाँ से जाना। जाहिर है नव साक्षरों में अब काफी बदलाव आया है। लोग साक्षर हुए तो अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान देने लगे। साक्षर होने की खुशी तो है ही, लेकिन बचपन में पढ़ाई ना करने का दुख भी। ऐसा दुख होता है, कम से कम अपन पढ़े लिखे होते तो अपने घर का काम काज या खेती बाड़ी कोई भी अपन काम काज करते तो उसे सही ढंग से कर सकते थे। अब पढ़े लिखे नहीं, इतनी अकल ही नहीं थी कि थोड़ा बहुत कुछ अपन कर सकते। घर में बनी ये चित्रकारी जैसे कई रंगों से रंगी हुई है, उसी तरह साक्षरता ने भी इनके जीवन में कई रंग भरे हैं। जो उत्साह और आत्मविश्वास आज इन लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है, साक्षरता। और ऐसा लगता है जैसे ये खुशी अंधेरों से निकलकर बाहर आ जाने की हो। शायद जिंदगी में इतनी चुनौतियां आती हैं कि उनसे लड़ते सारा समय निकल जाता है, पर समस्या ये है कि ज्यादातर पिछड़ापन भी इन्हीं के बीच है, और यही तो वो क्रम है जिसे तोड़ना है। देखा जाए तो गरीबी और पिछड़ापन निरक्षरता की वजह से है, और उल्टा देखें तो निरक्षरता गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से है। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, पर राजस्थान के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मोहरा के साक्षर कर्मियों ने इस चुनौती को स्वीकारा। हम जब राजस्थान के इस मुस्लिम बाहुल गांव मोहरा में पहुंचे, तब हमें कहा गया कि न सिर्फ ये पहली टीवी टीम है जो यहां शूटिंग के लिए आई है, बल्कि बाहर का कोई और भी इस गांव में नहीं आया है। हाँ, बाहरी हस्तक्षेप के नाम पर एक साक्षरता कर्मी जरूर आई थी, जिन्होंने यहाँ की इकलौती पढ़ी लिखी महिला बिस्मिल्ला को प्रेरित किया कि वे अपनी बहनों को ज्ञान का प्रकाश दिखाए। साक्षरता को लेकर के तो महिलाओं में तो कुछ निरक्षरता ही थी पूरी, और न ही महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही थी, न ही पढ़ी लिखी थी। और ये एक ही महिला थी जो इसके पियर वाले थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, जो बिस्मिल्ला महिला है ना, उसी के पियर वाले एजुकेटेड होने की वजह से इस लड़की को 8वीं तक पढ़ा रखा था इन्होंने। और ये महिला यहाँ जब शादी करके बैठी तब से इसी को लेकर के ही ज़्यादा बात बनती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी होने के कारण बाहर निकलना भी चाह रही थी, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था बाहर निकलने का। जब हमें इस गांव का पता चला तो ममडन एरिया, इस हिसाब से हम यहाँ आए थे, और यहाँ फिर हमने इस महिला से बहुत ज़्यादा बात की। बिस्मिल्ला मान तो गई, पर उसे तब ज्ञात न था कि ये कितना चुनौतीपूर्ण काम है और उसे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जब उसने निरक्षर महिलाओं से कहा कि वे उन्हें पढ़ाना चाहती है, तो समाज की प्रतिक्रिया थी कि इससे औरतें बिगड़ जाएंगी। विरोध तो होते ही रहे, क्यों, मैं एक लड़की थी, पहले हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं काम करने लगी तो गांव वाला कहते कि ये सारी बाहर निकलेगी, बिगड़ जाएगी, ऐसे ऐसे होगी, हमारे गांव के औरतों को बिगाड़ देगी। तो ये तो बहुत समस्या आई मेरे सामने, फिर भी मैं डरी नहीं, ये मेरा काम चलता रहा, और अभी भी मेरा काम चलता है, और मेरा समूह बना हुआ है, सब गाँव रहे सोचल बारे में जब पस्ता में दे के आई हूँ लिस्ट बना के 95 औरतों के, और ये नाडी का समय अब चलने का था तो मैं 8 लड़कियों का नाम देके आई हूँ मेट बढ़ाने के लिए, और ऐसे ऐसे काम होता है, और कोई भी अधिकारी आते उनको भी सहयोग देती हूँ। प्रेम और लगन के साथ, उत्साह और उम्मीद के साथ बिस्मिल्ला ने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। उनका रवैया भी सकारात्मक था, वह खुद अपने आप पर से निरक्षरता का कलंक मिटाने को बेताब थी, क्योंकि अनपढ़ होने के नुकसान से उन्हें रोज की परेशानी उठानी पड़ती थी। लासन देवी अनपढ़ होने को अंधा होना जैसा बताती है। ना अंधे जड़ा था, नहीं तो पढ़ जानता, नहीं कोई काम से कर जानता।
पर वक्त के साथ साथ बदलाव आया। जब सबको साक्षर बनाने की मुहिम शुरू हुई, यहाँ भी साक्षरता कर्मी आए। लोगों में सीखने पढ़ने की एक ललक जगी। बिस्मिल्लाह के प्रयत्नों से उन्होंने गिनती सीखी, पढ़ना सीखा, जिंदगी को बेहतर बनाने की बातें सीखी। पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला नीरस ना हो जाए, इसीलिए बीच बीच में गीत संगीत नाच गान सभी चलता रहा। जाहिर है वातावरण तनाव मुक्त रहा। महिलाएं बताती हैं कि उन्हें लगा कि वे एक बंधन से निकलकर खुली हवा में कुछ सीख रही है, इसीलिए यहां आने की झिझक खत्म हुई। बिस्मिल्लाह कहती है, क्यों लड़कियां थोड़ी जागरूक है तो एक मेरा भी तो बल बंदा, क्यों मैं एक औरत थी और मेरे पीछे कितनी औरतें, नहीं तो मैं अकेली थी और गांव वाले मेरे साथ में विरोधी भी बहुत की और मैंने लड़ाई भी बहुत की ताकि मैं इतनी तक पहुंची हूँ। और आगे इनसे चाहती हूँ कि मेरे लुगाइयां बहुत मेरे पास में जुड़ी हुई है तो उनको ही थोड़े बहुत कुछ ना कुछ फायदा मिले। इन्हीं के उत्साह के चलते यहाँ पर स्वयं सहायता समूह भी शुरू किया गया। ये एक प्रकार का बैंक है, इसमें औरतें हर महीने 50-50 रुपए जमा करती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ऋण लेती हैं। पैसों से अपने लिए कोई स्वरोजगार का अवसर ढूंढती हैं। यहाँ केंद्र में भी कोशिश है कि इन महिलाओं को साक्षरता और स्वरोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से इतना सबल बनाया जाए कि ये भी कुछ कमा सके और अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास इनमें आए। इसीलिए सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिलाई मशीन भी ये स्वयं सहायता समूह से पैसे लेकर ले सकती हैं। 36 लड़कियां थी तो वो मैं देखो किरोज से सिखा दियो, माखी बननी सिखाई और सूटर बनना सिखायो, मशीन है और उसमें समूह बनिया, मेरे 14 समूह बनिया और 50 रुपये में जो है सब समूह में लुगाई जुड़ी हुई है। तो मैंने बार भी मेरे 10,000 रुपये बैंक में जमा है और 4 खाता अभी हमारे खुला हुआ है और जमा हुआ नहीं। पिछले कुछ समय से साक्षरता का पथ भी यहाँ बिछाया गया जिस पर अब ये मुस्लिम बाहुल गांव मोहरा चल पड़ा है। वैसे भी ये गांव सड़क न होने की वजह से पिछड़ा था। उस पर मुस्लिम बाहुल इलाका जहां समाज के कायदे कानून विशेषकर महिलाओं के लिए इतने कठोर थे कि ज्यादातर लोग निरक्षर ही थे, ये निरक्षरता भी पिछड़ेपन का कारण बनी। पर एक बात को ये आदमी नकारते हैं, वो ये कि इन पर जो इल्जाम लगता है कि वे महिलाओं को आगे आने से रोकते हैं। बबरू मियां कहते हैं, ये गलत बात है कि मुस्लिम औरतें पढ़ना नहीं चाहती या लड़कियां पढ़नी नहीं चाहती है। यहाँ सुविधाओं का पहले अभाव था, पहले पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे तो उस हिसाब से क्या पढ़ाई होती नहीं थी। अब सब में जागरूकता आ रही है, समाज चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्कूल है, उसमें 2 टीचर है और 3 सुगर की बस्ती है और 2 कमरे बने हुए हैं तो वहाँ बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं, बाहर बैठते हैं। सरकारी स्कूल जन चेतना केंद्र है तो ये छोटा, इसमें 20 बच्चे बैठ सकते हैं जबकि 50 बच्चे आते हैं तो उनको एक मास्टर पढ़ा भी नहीं सकता है। सुविधाएं हैं नहीं इतनी पढ़ने के लिए। ये गलत है कि पढ़ना नहीं चाहती है, सब पढ़ना चाहते हैं सुविधाएं हो तो। इनका कहना है कि बिस्मिल्लाह द्वारा चलाए जा रहे जन चेतना केंद्र से भी जागरूकता बढ़ी है। उससे औरतों में जागरूकता आ रही है, औरत को समझा सकती है हर बात से कि आपको क्या अधिकार है क्या नहीं है, पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए। हाँ, जागरूकता बढ़ी है तभी तो वार्ड सदस्य के रूप में एक महिला उभरी है। हमारे गांव में तो कोई लेडीज अभी तक बनी नहीं है, एक वार्ड पंच नहीं बनी हुई है और आगे भविष्य में शायद सरपंच बन भी जावे तो आगे बदलाव तो लुगाई देखी तो आई, हमारे गांव में बनी नहीं है तक। धीरे धीरे ही सही, पर निरक्षरता के अंधकार को मिटाने की जो मुहिम शुरू हुई है वो जरूर रंग लाएगी। एक बार क ख ग 1 2 3 यानी बुनियादी शिक्षा से क्या परिचय हो जाता है, ज्ञान की तलाश में घूमने वालों को और सीखने की इच्छा रहती है। साक्षरता केंद्र में जाते जाते पढ़ाई के अलावा कुछ और चीजें जानने और समझने का कौतूहल बढ़ जाता है, इसलिए आज जगह जगह सतत शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। आइए चलते हैं आंध्र प्रदेश के विकाराबाद जिले में एक ऐसे ही चलाए जा रहे शिक्षा केंद्र पर। ये लोग जा रहे हैं सतत शिक्षा केंद्र पर, यहाँ मनोरंजन और मस्ती का माहौल है, लोग कीर्तन में मग्न हो रहे हैं। बच्चे भी उत्साहित होकर नाचने गाने आगे आ रहे हैं। गांव में नाग नागिन का नाच बहुत लोकप्रिय है, ये करके दिखा रहे हैं।
पर गाना बजाना नाचना यही तो मनोरंजन का एकमात्र साधन नहीं, यहाँ के लोग खाली वक्त में यहाँ आकर कैरम भी खेलते हैं। कुछ लोग सांप सीढ़ी का खेल या शतरंज भी खेलने की कोशिश करते हैं। इतने में इनके स्वास्थ्य की देखभाल के स्वास्थ्य कर्मी भी आ गए। ये सभी गतिविधियां हो रही हैं यहाँ सतत शिक्षा केंद्र पर। सरपंच सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, यही तो है इस जगह की खासियत। इसीलिए पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी कामयाब रहा। पांडुरंग रेड्डी पहले और अब के फर्क के बारे में बताता है। अच्छे साहब ने जो है उसी लिए जो नहीं पढ़ने से वाला पढ़ रहा, जो नाम नहीं लिखने वाला खेत बाड़ी का काम करे से वाला भी अभी नाम लिखने को तैयार हो गया, जो अंगूठा लगाने वाला भी अब नाम लिखते जा रहा। अच्छे साहब ने इम्प्रूव हो गया सर। और इसका असर इसके बारे में कहता है। असर बोले तो अब जो मार्केट को जा रहा, मार्केट को गया तो कुछ 2 किलो भी तोले भी तो कुछ भी नहीं बोलता था पहले, अभी जो है बराबर कांटा ठहरा करके 2 किलो नहीं है 4 किलो है, ये 4 किलो बराबर ही होता बोल के ऐसा मतलब मालूम तो हो रहा उसको। बी नरसिम्हा रेड्डी को यहाँ अखबार और पत्रिकाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसका फायदा ये अपने नजरिए से देखता है। अब पेपर पढ़ रहे जो पहले लोग नहीं पढ़ सकते थे, अब पेपर पढ़ रहे लोगों के रेट कितना रेट के बारे में नहीं क्या क्या हो रहा है समाचार सब समझते हैं। सरपंच अंजम्मा सभी को प्रेरित करने में कसर नहीं छोड़ रही। उसका मानना है कि विकास के काम तब तक बखूबी से नहीं किए जा सकते जब तक सभी में साक्षरता न फैले। అదే సార్ ఒకటి పైప్ లైన్ వేపించలేనని నేను నువ్వు అడిగినప్పుడు అలా రావు నేను వేపిస్తాను చెప్పిన, నువ్వు దిగిపోతున్నావు ఇంకేనా వేపిస్తావని వచ్చి కొట్టింది, అదే జీప్ ఎక్కుతున్నా వచ్చి కొట్టింది। और यहां पर सही मायने में साक्षरता का अर्थ समझा जा रहा है। साक्षरता का मतलब सिर्फ क ख ग या 1 2 3 नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ना या पत्रिकाएं पढ़ना ही नहीं, पर लोगों में इसका क्या असर होता है, उन्हें क्या फायदा पहुंचता है वो है। वैसे पिछड़े इलाकों में जहां विकास की हवा न हो वहां निरक्षरता के कारण समझ में आते हैं, पर ऐसी जगह जो खुद विकास का प्रतीक हो वहां कुछ इलाकों में निरक्षरता ये कैसे संभव है? मगर हमारे शहरों के बीच बस्तियों में ये समस्या है। चंडीगढ़ में भी कोशिश की जा रही है मजदूरों और कामगारों के बीच साक्षरता की लौ जलाई जाए। ये है चंडीगढ़ का आंगनबाड़ी स्कूल जहां निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए साक्षरता अभियान के तहत शिक्षा दी जाती है और साथ में व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और पेंटिंग वगैरह का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे तो चंडीगढ़ बहुत ही एडवांस और सुंदर शहर है और यहाँ निरक्षर भी काफी कम मात्रा में हैं। यहाँ पर ज्यादातर वही लोग निरक्षर हैं जो रोजगार की तलाश में छोटे छोटे गांव और कस्बों से आते हैं और यहीं के होके रह जाते हैं, या फिर वो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इन गरीब और निरक्षर लोगों को ध्यान में रखते हुए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है जिससे ये लोग पढ़ लिख कर अपने जीवन को संवार सकें और देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। साक्षरता से आए परिवर्तन के बारे में बता रही हैं इस केंद्र की प्रेरक इंद्रजीत कौर। बड़े खुश हो मेरे का सुनो सानू आप ही कहते कहते देखो मैडम जी हम जो अभी बुढ़े हो जाएंगे असं आपे कोई धार्मिक किताब लेके कोई आप पढ़ लेंगे जहाँ आप पाठ करन जोगे हो गए थोड़ा बहुत उन्होंने अपने जीवन से चेंज बहुत ज़्यादा आ गई। कहते असं बस के उत्ते अपने आप नंबर वेख के चल जाने जो बैंक च डाकखाने जाते अपना फार्म आपे भर लेंगे उन्होंने किसी का कोई तरला नहीं कढ़ना पैंदा। सुप्री देवी का कहना है कि पढ़ने लिखने से दिमाग आता है और पढ़ा लिखा होने से बच्चों को भी सुविधा हो जाती है, अनपढ़ होने पर घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ थोड़ा वो आते हैं दिमाग भी अपना बच्चों को भी सुविधा हो जाती है जी। ठीक है घर में सबके सुनने पड़ते हैं जी, ये काम नहीं आता घर वाला कहते हैं अनपढ़ हैं कुछ नहीं आता, तो इसमें सब जानी दिमाग में मतलब अपना घर दिमाग खुशी होती है टेंशन कुछ नहीं रहती है जी। सीमा कटवाल का कहना है कि वो यहाँ से कढ़ाई बुनाई और सिलाई सीख कर इसको अपनी कमाई का साधन बनाएंगी। हमने बैग बनाना सीखे हैं यहाँ से
और मुकेश लगाना सीखे हैं और हमारे जो टीचर हैं वो सबसे अच्छा सिखाते हैं और सबसे अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। अब और हैंकी बनाया है, हैंकी में कढ़ाई की है हमने और मशीन वाली मशीन चाहिए हमें तो उसमें हमने कढ़ाई करना सीखना है और हाथ की कढ़ाई की हुई है हमने और अपना कमाई का साधन बना रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। पढ़ाई लिखाई के लिए आयु, जाति या लिंग का कोई बंधन नहीं होता है। इन्हीं सब फायदों को समझकर ही इन लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है। चंडीगढ़ की महिलाएं साक्षरता अभियान के तहत पढ़ने लिखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसलिए चंडीगढ़ में साक्षरता अभियान बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसके बारे में बता रही हैं एडल्ट एजुकेशन की डिप्टी डायरेक्टर मिसेस कालरा। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन में हमने खाली सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको हम साथ में मैगजीन्स देते हैं, अखबारें देते हैं ताकि जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो दोबारा अनपढ़ ना हो जाए, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। साथ में हमने इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इनको कुछ काम सिखाते हैं। हमने कई जगह ब्यूटिशियन के कोर्स चलाए हुए हैं, इसके अलावा हम इनको स्टिचिंग के सेंटर्स हमने खोले हुए हैं ताकि ये कुछ काम सीख के अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। ये है चंडीगढ़ की दूसरी आंगनबाड़ी जहां लड़कियों और महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज का आधुनिक जमाना फैशन का दीवाना है और फैशन आजकल हर किसी की आवश्यकता बनती जा रही है। ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए आमतौर पर लड़कियों और महिलाओं को भारी फीस देनी पड़ती है। इसी जरूरत को महसूस करते हुए यहाँ पर लड़कियों से नाम मात्र फीस लेकर साक्षरता अभियान के तहत उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है, जिसे सीखकर ये महिलाएं अपने घर में तो स्वयं मेकअप कर ही सकती हैं और इसके साथ ही अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ज्ञानदीप की अगली कड़ी में कुछ नए प्रदेशों के अनूठे कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ना